आज हम पढ़ेंगे सिनाई। पेपर का नाम है अधिगम के लिए आंकलन, यूनिट 3 होगा, लेक्चर संख्या मेरा 3 चलेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सतत क्यों व्यापक मूल्यांकन का आधार। तो जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था पिछली कक्षा में कि सतत मूल्यांकन और व्यापक के विशेषताओं के बारे में हमने आपको उसके बारे में थोड़ा बताया था कि सतत और व्यापक क्या था। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि सतत का अर्थ होता है निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया, और व्यापक का अर्थ होता है जो उसका बड़ा रूप प्रदान करे। यानी कि कहता है कि सतत के अंतर्गत छात्रों को क्या कहता है, निरंतर एक शिक्षक के द्वारा निरंतर आगे की ओर बढ़ाया जाता है, और व्यापक के अंतर्गत क्या करते हैं उस चीज़ को बड़ा रूप हम लोग दिया जाता है कि छात्र क्या कुछ सीखा, कितना समय लगा किसी चीज़ को सीखने में वगैरह। आज हम लोग पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आधार, इसका आधार क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के मुख्य तो दो ही आधार होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आपका आता है लिखित परीक्षा। तो मैंने आपको बताया कि व्यक्ति छात्र अपने जीवन काल में अनेकों प्रकार की परीक्षाएं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वे उसे सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए। और वे छात्र जो अपना परीक्षा जो देते हैं वे क्या करते हैं, शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए जो भी पाठ होते हैं, तो पढ़ाए गए जो पाठ होते हैं उसके अंतर्गत यह शिक्षक यह देखते हैं कि छात्र क्या कुछ सीखा और क्या नहीं सीखा। तो ये प्रक्रिया को देखने के लिए शिक्षक के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और यह परीक्षा होता है दो रूप में, या तो मौखिक रूप में या फिर लिखित रूप में। तो लिखित रूप में जो परीक्षा होती है यह अकॉर्डिंग बाई क्लास के अंतर्गत होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि लिखित परीक्षा के अंतर्गत जो अकॉर्डिंग बाई क्लास के अंतर्गत कैसे होती है। जैसे कि अब देखते हैं क्लास 1 से लेकर हम लोग क्लास 6 तक के बच्चे का जो भी प्रश्न उत्तर देते हैं क्या होता है, लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय के अंतर्गत आता है। हायर एजुकेशन में चलते हैं 12th ग्रेजुएशन एमए, तो उसमें क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो ये दो प्रकार की, यानी कि लिखित परीक्षा दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर कहता है लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में निर्माणात्मक, लघु उत्तरीय और वस्तुगत प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहता है निर्माणात्मक प्रश्न। निर्माणात्मक प्रश्न किसके लिए होता है, ये आपका हो गया हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि आपका कहता है जैसे बीए के कक्षा के लिए या फिर एमए के कक्षा के लिए। इसमें क्या होती है, इसके अंतर्गत यानी निर्माणात्मक के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो प्रश्नों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। प्रश्नों की संख्या 14 से 15 हो जाती है या 10 भी हो जाती है, जिसमें से छात्र को कितना बनाना होता है, मुश्किल से उन्हें 4 या उसको मुश्किल से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसके अंतर्गत जो छात्र प्रश्न का उत्तर जो 5 प्रश्न का दिया जाता है उसको दिया जाता है, उसमें क्या करता है वो 5 प्रश्न क्या करता है, छात्र स्वयं से यानी कि स्वयं से अपने अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार उसी प्रश्न का चयन करते हैं जो वे पूर्ण रूप से जानते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होती है यानी निर्माणात्मक के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती है, निर्माणात्मक प्रश्न के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती है उसमें सिर्फ टाइम का एक बाउंडेशन होता है, यानी कि टाइम एक लिमिट होता है 3 घंटा 4 घंटा। लेकिन इसमें जो छात्र के द्वारा जो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है लिखित रूप में, उसका कोई ये नहीं होता है, अंत नहीं होता है। छात्र अपनी स्वतंत्रता के अनुसार जितना मन करे वे उतना प्रश्न का उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर को दे सकते हैं। तो ये हो जाता है पहला लिखित परीक्षा में निर्माणात्मक। दूसरा हम लोग करते हैं इसके अंतर्गत दूसरा आपका हो गया लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय यानी कि ये जो क्लास होता है लघु उत्तरीय क्या हो जाता है, ये क्लास 1-6 तक ज्यादा यानी कि
प्रश्न का प्रयोग लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रयोग क्लास वन से लेकर सिक्स तक में ज्यादा किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रश्नों की संख्या उतना ही होती है, इसके अंतर्गत प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन छात्र स्वयं अपने रुचि के अंतर्गत प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। जो प्रश्न दिए रहते हैं छात्र उसी प्रश्न को स्वयं से बनाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत किस प्रकार की प्रश्न आती है, जैसे आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में किस प्रकार की आती है, तो आपका खाली जगह आ जाता है, खाली स्थान, या आपका आ जाता है एक वाक्य में उत्तर, सही गलत, डॉट इत्यादि। यानी कि पहला इसमें आपका लघु उत्तरीय के अंतर्गत जो भी बनता है, वन वर्ड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, यानी कि इसमें जो प्रश्नों की संख्या वो शिक्षकों के द्वारा पाठ के अंतर्गत दिया जाता है। यानी कि शिक्षक जितने पाठ को पढ़ाए हैं उसके अंतर्गत शिक्षक इसके अंतर्गत क्या करते हैं, प्रश्नों का चयन करते हैं। अब चयन के अंतर्गत वो मान लेते हैं कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स दे देते तो पांच फिल इन द ब्लैंक्स दे दी, तो छात्र क्या करते हैं, उनको पांचों को बनाना होता है, वे चेंज नहीं कर सकते, अपने से नहीं कर सकते, या सही गलत दे देते हैं, ट्रू फॉल्स दे देते हैं, या वन वर्ड आंसर दे देते हैं, तो क्या करते हैं छात्र वो नहीं बदल सकते, उनको वो प्रश्न का उत्तर देना ही होता है। यानी कि इसमें क्या होती है, छात्रों की स्वतंत्रता नहीं होती है, यानी कि छात्र इसमें उतना ही प्रश्न देंगे जो शिक्षक के द्वारा दिया गया है। तो ये पहला सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार था, पहला आधार जो बताया लिखित परीक्षा। सेकेंड आधार इसका देता है बौद्धिक वांछित परीक्षण। बौद्धिक वांछित परीक्षण क्या हो गया, यानी कि देखिए इसके अंतर्गत बौद्धिक वांछित परीक्षा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत परीक्षाओं द्वारा उन कौशलों का परीक्षण किया जाता है जो लिखित रूप में ना होकर प्रदत्तों को पढ़ने में गति, शुद्धता, मानसिकता कर उनकी व्याख्या, भाषा की समझ आदि सम्मिलित होती है। तब देखिए बौद्धिक के अंतर्गत यानी कि ये लिखित रूप से नहीं होता है, यह क्या करता है, शिक्षक छात्रों का क्या करते हैं, माइंड को देखते हैं कि वो कितना कुछ जाना है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहले शिक्षक मान लेते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमारे अगर पास एक बुक हो जाती है, ये बुक है, अगर हमारे पास कोई एक बुक है तो छात्र शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को बुक को पढ़ने के लिए कहते हैं। तो उसमें क्या देखा जाता है कि छात्र की जो पढ़ने की जो गति है वह कितनी अधिक है, कितने जल्दी वो पढ़ रहा है, अगर वो पढ़ रहा है ठीक है, तो पढ़ने के दरमियान उसकी जो शब्द है यानी कि सेंटेंस, उसमें कितनी शुद्धता है, यानी कि शुद्ध रूप से पढ़ रहा है कि नहीं। अब शुद्ध रूप से पढ़ने के बाद यानी कि अगर पढ़ने के बाद उसकी मानसिकता यानी कि वो क्या सोच रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है, उस चीज को देखना, फिर क्या उसकी व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं, यानी कि वो आखिर वो वर्ड बताना क्या चाहता है या पैराग्राफ बढ़ाना क्या चाहता है, वो स्वयं से अपने अनुसार व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं, या फिर उसके बाद देखा जाता है कि क्या शिक्षक देखती है कि उसको उस भाषा की समझ में आ रही है कि नहीं। क्योंकि देखिए ये सबको सबसे पहले देखिए बौद्धिक वाचिक परीक्षा के अंतर्गत सबसे इसका मुख्य पॉइंट होता है भाषा की समझ। क्योंकि देखिए अगर देखते हैं हम लोग कैसे क्या कहते हैं कि व्यक्ति का ये जीवन क्या होता है, यानी कि जो व्यक्ति अपना किस पर आश्रित रहता है, धन दौलत पैसा कौड़ी व्यक्ति कैसे कमाता है, पढ़ लिख कर, तो पढ़ने लिखने के लिए क्या होती है, उसको भाषा की जरूरत होती है। तो देखिए भाषा ही वो जीवंत होता है जो व्यक्ति को क्या करता है, आगे की ओर बढ़ाता है। तो प्रत्येक की अपनी भाषा होती है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर छात्र को भाषा की समझ पूर्ण रूप से नहीं आएगी तो वो कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, बुक को नहीं पढ़ पाएगा। और जब बुक ही नहीं पढ़ पाएगा तो वो क्या जानेगा, कोई भी शब्द क्या होगा उसमें, शब्द में कभी भी शुद्धता नहीं आएगी। और जब शुद्धता नहीं आएगी तो कि वो कभी भी उस चीज के बारे में व्याख्या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कहता है कि बौद्धिक परीक्षण के अंतर्गत सबसे पहले जरूरी है भाषा की समझ, यानी कि अगर आप भाषा को जान गए, अच्छी तरह से जान गए, पहचान गए, तो ये आपकी सारी प्रक्रिया पूर्ण रूप से सफल होगी। यही बौद्धिक वाचिक परीक्षा के अंतर्गत क्या आता है, देखिए इसमें क्या कहता है, तो हमने बताया सतत और व्यापक मूल्यांकन का दो आधार बताए थे, एक लिखित, दूसरा बौद्धिक।
अब इसी के अंतर्गत आता है विद्यार्थियों द्वारा किया गया सत्रीय कार्य। सत्रीय कार्य क्या हो गया, देखिए सत्रीय कार्य के अंतर्गत क्या कहता है, कहता है कि लिखित और मौखिक परीक्षाओं के अंतर्गत सत्रीय कार्य यानी कि सेशनल वर्क जिसको कहते हैं का भी आंकलन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए, देखिए इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं। क्यों किया जाना चाहिए, सबसे पहले अगर अंकित करते हैं सेशनल वर्क तो क्यों, क्योंकि इसके द्वारा हम यानी कि एक शिक्षक यह देखते हैं कि छात्रों को किसी विषय के प्रति कितनी रुचि है, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है या किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो ये सम्मिलित होता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सबसे पहले गृह कार्य। अब देखिए गृह कार्य से क्या तात्पर्य है, जिसके हम जानते हैं कि शिक्षक छात्र शिक्षक जो है कक्षा में बुक को पढ़ा देते हैं, किसी पाठ को पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद क्या करते हैं उसको समझा देते हैं, समझाने के बाद उसके प्रश्न उत्तर को दे देते हैं बनाने के लिए। जो प्रश्न उत्तर देते हैं बनाने के लिए कहाँ, घर पर, तो क्या कहलाते हैं वो गृह कार्य। यानी कि शिक्षक इसके अंतर्गत ये देखते हैं कि छात्र कितना कुछ सीखा और कितना कुछ जाना, और वो अपना कार्य प्रॉपर वे से यानी कि पूर्ण रूप से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो क्या उसकी जो उत्तर है यानी कि जो प्रश्न का जो उत्तर हो गया या जो भी गृह कार्य दिए, क्या वो स्वयं से किया या दूसरे से करवाया, यानी कि ये जो वापस छात्र कर कर आते हैं शिक्षक के द्वारा दिया गया गृह कार्य, तो शिक्षक क्या करते हैं उसको देखते हैं, और शिक्षक तब तक उस चीज के बारे में समझते हैं जब तक कि वे पूर्ण रूप से ना जाने कि छात्र स्वयं से किया या दूसरे से कराया। वे इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक वो देखते कि छात्र कितना कुछ जाना। दूसरा हो जाता है कक्षा कार्य पर चर्चा, देखिए गृह कार्य यानी कि घर का, दूसरा हो गया कक्षा कार्य पर चर्चा। मान लीजिए कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद क्या करते हैं किसी चीज को व्याख्या कर दिए, किसी पाठ को व्याख्या करने के बाद उस छात्र से क्या करते हैं प्रश्न पूछते हैं या किसी प्रकार का वर्क दे देते हैं, छात्रों को ग्रुप में बांट देते हैं। तो ग्रुप में बांटने के बाद क्या करते हैं शिक्षक वहां पर निरीक्षण करता है कि ग्रुप का में कौन सा ऐसा लड़का है जो उसको पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभा रही है। तो वहां पर भागीदारी निभाना यानी कक्षा कार्य चर्चा होता है। तो ये भी क्या होता है, ये जो कक्षा कार्य चर्चा जो होता है यह शिक्षक के देख रेख में होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पुस्तकालय का प्रयोग। देखिए पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार आज हमारा क्या गया, आज दिन प्रतिदिन क्या हो गया पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि शिक्षा ही एक ऐसी जीवन प्रक्रिया है जो हमें आगे की ओर ले जाती है। तो शिक्षा को पूर्ण रूप से और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे चीज होते हैं, बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें नहीं मिल पाती है, तो हम लोग क्या करते हैं उस स्थिति में पुस्तकालय का सहारा लेते हैं। तो पुस्तकालय के सहारा में हम लोग क्या करते हैं, जब जाते हैं पुस्तकालय में तो उसमें बहुत सारे किताबें रखी रहती है, तो उन किताबों का या तो अगर हमें पहले से जानकारी प्राप्त हो कि अच्छे राइटर कौन है तो या तो हम स्वयं से लेते हैं या फिर शिक्षक के द्वारा, यानी कि शिक्षक जो हो गया छात्र जो हो गया शिक्षक से क्या करते हैं वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, और शिक्षक के द्वारा छात्रों को बताया जाता है कि कौन सा पुस्तक उनके लिए ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट आता है क्राफ्ट वर्क। क्राफ्ट वर्क क्या हो गया, यानी कि देखिए शिक्षक के द्वारा छात्रों को अवांछनीय पदार्थ यानी कि वैसे पदार्थ जिसको फेंक दे कोई यूज करनी होता है, तो शिक्षक के द्वारा क्या किया जाता है बताया जाता है कि आप इस चीज से आप ये चीज का निर्माण करके बनाओ, तो ये हो गया क्राफ्ट। यानी कि इसके अंतर्गत छात्र शिक्षक यह देखते हैं कि छात्र की जो क्रियाकलाप है कितनी स्पष्ट और सरल है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आधार। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।